नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे इलेक्ट्रिक की कार्ड के बारे में जिससे हमारी पावर सेविंग हो सके। ये गोल्ड मेडल का है, ये इलेक्ट्रिक की कार्ड है। हम हमारे घरों में जैसे कहीं पर भी हम लगाएंगे तो हमारी पावर की सेविंग होगी। तो इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, हमारे घरों में इसके कनेक्शन कैसे करते हैं और कहीं पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हमारे जैसे घरों में या कहीं पर भी हमारे ऑफिस में, तो इससे हमारी पावर की सेविंग होगी। ये इलेक्ट्रिक की कार्ड है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसके कनेक्शन करते हैं आज हम बताएंगे। तो इसमें देखो, ये लाइन है, यहाँ पर फेज वायर लगेगा मेन लाइन का, और ये न्यूट्रल है, यहाँ पर न्यूट्रल लगेगा, और ये L1 है। तो हमारे जैसे हमारे रूम में लगाएंगे तो हमारे रूम के जो मेन सप्लाई जाएगी उसमें लगाएंगे, और जब हम हमारे ऑफिस में जाएंगे तो मतलब ऑफिस में लगाएंगे तो हमारे ऑफिस के जो फेज वाला वायर है उसमें लगाएंगे, न्यूट्रल वाला इसमें जो न्यूट्रल मेन लाइन आएगी उसके साथ में लगा देंगे। तो कैसे कनेक्शन करेंगे आज हम जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें सप्लाई देते हैं, इसमें लाइन में लाइन देंगे और न्यूट्रल में न्यूट्रल देंगे। इसे हमारे घरों में हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारी पावर सेविंग होगी और हमारे बिजली है वो कम खपत होगी। जैसे हमारे कोई भी बटन, हमारे रूम का बटन को हम ऑन कर देते हैं और फिर भूल जाते हैं किधर इधर उधर चले जाते हैं, तो हमारे जो पावर सेविंग है वो नहीं होती, ऐसे ही फालतू में हमारी खपत होती रहती है। तो सबसे पहले हम इसमें लाइन दे दी और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल इसमें दे देते हैं, जहाँ न्यूट्रल लिखा हुआ है यहाँ न्यूट्रल दे देते हैं और इसको हम टाइट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर सप्लाई दे दी, इसको ऑन करके हम देखते हैं कि ये ऑन कैसे होता है क्या। तो पहले सबसे पहले हमारे बोर्ड में हम चेक करेंगे कि किस में हमारा फेज वायर आ रहा है। तो इधर वाले में हमारा फेज आ रहा है, तो फेज वाला वायर ये है, लाइन वाला वायर है, ये इसमें लगाएंगे और ये वाला न्यूट्रल वाला वायर है, ये न्यूट्रल में लगाएंगे। तो इसमें देखो ये ब्लफ है, ग्लो होने लग गया, तो मतलब इसमें सप्लाई आ गई है। अब हम जो हमारे रूम्स के जो लोड होता है उसके वायर कहाँ जोड़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको हम एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। जैसे हमारे ये इलेक्ट्रिक की कार्ड है, इसमें कार्ड डालेंगे, कोई भी कार्ड चलेगा, इसमें कार्ड डालेंगे, ये हमारी बत्ती ग्लो हो जाएगी और ये जो इसमें सप्लाई आ रही थी ये इसमें आ जाएगी। देखो टेस्टर से ग्लो हो रहा है, हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है। तो जैसे इसको हम निकालेंगे तो ये 10 से 20 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली हमारी लाइट है वो बंद हो जाएगी, पावर है वो, जैसे रूम का पावर है वो बंद हो जाएगा। इसमें कम से कम 10 से 20 सेकंड का वो टाइमर आता है, 10 से 20 सेकंड के अंदर ये ऑटोमेटिकली देखो ये ग्लो हो गई। अब इसमें हम चेक करेंगे तो इसमें नहीं आ रहा और इसमें आ रहा है और ये न्यूट्रल है हमारा। तो हमारा जो पावर है वो कैसे हम जो घरों का है वो कैसे जोड़ेंगे, तो ये हमारा जो रेड वाला वायर है ये लाइन L1 में जोड़ना है हमारा, ये पावर का है फेस वाला, इसको हम इसमें जोड़ेंगे, इसको टाइट कर देते हैं। और ये हमारा जैसे रूम्स का न्यूट्रल आता है, ये न्यूट्रल इसमें सीधा बाईपास कर देते हैं, इसी में लगा देते हैं, इसके साथ में अभी इसमें टाइट कर देते हैं, अच्छे से टाइट करना है। मैं तो आपको कनेक्शन करके बता रहा हूँ कैसे इसके कनेक्शन होते हैं, तो एक बार कनेक्शन करके समझा रहा हूँ किस टाइप से कनेक्शन होते हैं, तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये हमारा है जो ये लाइन है, मेन लाइन का जो वायर आ रहा है इसमें देखो, और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल ये जो हमारे घरों में से जिस रूम का जाए न्यूट्रल आएगा वो इस न्यूट्रल के साथ में बाईपास कर देना सीधा, और ये L1 है, इसमें फेज वाला वायर है जो रेड वाला वायर है वो इसमें लगा देना, ये ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल के साथ में, जो हमारा ये न्यूट्रल आ रहा है बोर्ड से न्यूट्रल आ रहा है अभी हम आपको कनेक्शन करके दिखा रहे हैं, तो ये न्यूट्रल में जोड़ देना सीधा, और मेन लाइन इसमें लाइन L में जोड़ देनी है इसमें देखो, और इसमें अभी कोई सप्लाई नहीं आ रही। तो जैसे हमारे घरों में ऐसे हम इसको फिट कर देते हैं, फिर उसके बाद में हम कोई भी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, अभी तो मेट्रो कार्ड है,
तो हम जैसे ही हम हमारे घरों में जाएंगे कार्ड लगाएंगे और हमारा रूम का बल्ब है वो जल जाएगा, हमारे रूम के जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं बल्ब वगैरह टीवी वगैरह सारे जल जाएंगे। और जैसे ही हम रूम के बाहर जाएंगे तो कुछ भी बंद करने की जरूरत नहीं, अपना कार्ड निकालो और चले जाओ। फिर ये जैसे ही हमारा ये इसका टाइमर है 10 से 20 सेकंड के अंदर अंदर ये ऑटोमेटिकली पूरा बंद हो जाएगा, तो इससे हमारी पावर की सेविंग होगी और हमारा बिजली का बिल है वो भी कम आएगा। तो बिजली का बिल कम आएगा तो हमारी कुछ सेविंग्स होगी, मतलब कुछ हमारे पैसे बचेंगे, इससे इलेक्ट्रिक भी बचेगी, इलेक्ट्रिक बचाना भी चाहिए। और क्योंकि आजकल अब देखो जैसे ही ये इसका टाइम पूरा हुआ 10 से 20 सेकंड हुआ ऑटोमेटिकली बंद हो गई, ये इस टाइप से इंडिकेटर ग्लो होने लग गया। एक बार फिर से हम चेक करते हैं, जैसे कार्ड को हम लगाएंगे हमारे रूम में जाएंगे तो कार्ड को हम ऐसे लगाएंगे तो ये हमारा बल्ब है ग्लो होने लग गया और इसको हम निकाल लेंगे। जैसे ही बाहर जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे तो ये 10 से 20 सेकंड के अंदर अंदर ये बंद हो जाएगी। तो इसके कनेक्शन नॉर्मल तरीके से हैं, इसको हम कोई इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो आपको मैंने कनेक्शन दिखा दिए, यदि कोई कनेक्शन में दिक्कत हो, यदि कोई कनेक्शन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम मेरे को मतलब कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे कनेक्शन होते हैं। तो ये अभी बंद हो जाएगा, अभी ये देखो बंद हो गया। तो इसके कनेक्शन सिंपल है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसमें मेन सप्लाई जो मेन सप्लाई का वायर आ रहा है वो लगाना है, न्यूट्रल में हमारा जो न्यूट्रल वायर जो मेन सप्लाई का न्यूट्रल आता है वो, और हमारे रूम्स का जो न्यूट्रल आता है वो इसमें लगाना है, और ये L1 है इसमें फेज वाला वायर लगाना है बस, और फिर इसको फिट कर देना और कार्ड को ऐसे यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये हमारी की कार्ड है, इलेक्ट्रिक की कार्ड, ये हमारी प्रॉपर तरीके से काम वर्क करने लग गई। तो थैंक यू दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल में बने रहिए और आगे भी हम ऐसे वीडियो लेके आएंगे, नई नई चीज़ें हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।